उत्तर मध्य जिला अध्यक्ष अशोक पंचाल व गुजरात प्रभारी यामिनी पंचाल राष्ट्रीय समाज पक्ष का दामन छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। आपको बता दें कि अशोक पंचाल व यामिनी पंचाल सैकड़ों कार्यकर्ता समेत एनसीपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सचिन भाऊ अहिर एवं सुनील शिंदे के सामने पार्टी ज्वाइन की। राष्ट्रीय समाज पक्ष के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रीय समाज पक्ष की बात करें तो पार्टी में आवाजाही जोरों पर जारी है। इस दौरान एनसीपी मुंबई अध्यक्ष सचिन भाऊ अहिर ने पक्ष प्रमुख महादेव जानकर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शरद चंद्र जी पवार पर टीका टिप्पणी करके वो नेता बने। धनगर समाज को आरक्षण की बात वो हमेशा करते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि 4 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिला। इस दौरान अशोक पंचाल ने कहा कि उत्तर मध्य जिला के विकास के लिए उन्होंने रासपा का दामन छोड़ एनसीपी पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने रासपा पर आरोप लगाया कि लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इतने सालों पार्टी में काम करने के बाद भी पार्टी में काम करने वालों को वैल्यू नहीं है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें तो हमने पार्टी में कई नगर सेवक चुन कर दिए, लेकिन अब सामान्य कार्यकर्ता बनकर एनसीपी के लिए काम करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अशोक पांचाल जी ने राष्ट्रीय समाज पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वो आज यहाँ पे शामिल हुए, और यही दिखाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोगों का बड़े पैमाने के ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ में हर समाज के और हर जाति धर्म के लोग जुड़ने का काम हो रहे हैं, और ये सिर्फ यहाँ तक के सीमित नहीं है। तो राष्ट्रीय समाज पार्टी के जितने नगर सेवक गुजरात हो या अन्य विभागों में हो, वहाँ पे भी जो पांचाल जी के नेतृत्व में और यामिनी जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जल्द से जल्द शामिल होने वाले। सामाजिक न्याय विभाग के हमारे अध्यक्ष सुनील शिंदे जी के पुढ़ाकार से ये कार्यक्रम हुआ है, और हमको खुशी है कि मुंबई में हमारी ताकत बढ़ने में और बड़ा योगदान इनकी सामाजिक कार्यों में हमको मिलेगा। अभी अभी आपने भाषण में मेंशन किया सर कि महादेव जानकर मंत्रालय में नहीं रहते, क्या यही कुछ कारण है जो कार्यकर्ता पार्टी को लेकर और पक्ष में जाना? जहाँ तक उनकी जानकर जी के बारे में जो बात है, उनको लोगों ने एक समाज के एक मुद्दे के ऊपर चुनकर देने का काम किया था, और उन्होंने हमेशा पवार साहब के ऊपर टीका की कि धनगरों का आरक्षण नहीं दिया, लेकिन आज 4 साल या 4.5 साल होते आ रहे हैं, आज भी दुर्दैव की बात है कि धनगर समाज को आरक्षण मिला नहीं, और सिर्फ समाज को आरक्षण तो छोड़िए, बात भी करने के लिए वो तैयार नहीं है। और आज तो ऐसी हालत है कि वो मंत्रालय में आना बंद हो गया उनका, क्योंकि लोग उनको पूछेंगे कब दे रहे हैं हमको आरक्षण, कब देंगे आरक्षण। ऐसी स्थिति जल्द से जल्द होगी कि अगर ये आरक्षण का मुद्दा नहीं हुआ, यही धनगर समाज के लोग हैं माधव जानकर जी को राज्य में घूमने नहीं देंगे। और आज अशोक पांचाल जी ने भी यही निर्णय लिया कि जो विश्वासघात उन्होंने उनके समाज के लिए किया, तो हमारे समाज के लिए वो क्या काम कर सकते हैं, और इसलिए आज वो हमारे पास बड़े पैमाने के ऊपर उनके कार्यकर्ता शामिल होते हुए आपको दिख रहे हैं। थैंक यू सर। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कोलकाता में काफी रफेल के इश्यू पर प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया है, आर यू प्लानिंग टू टेक शत्रुघ्न सिन्हा ने एनसीपी कुछ इट इज नथिंग टू डू विथ अस, इट्स ऑल पार्टी मीटिंग वॉज बीन हेल्ड and I guess he has expressed his view very sharply, whatever he has been always been tweeting and the wrongdoing of the government. So I guess it is his individual statement which he is given against the Rafale. Thank you. बिल्कुल, ये खुशी की बात है कि जो आज सेक्युलर पक्ष को मानने वाले लोग जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष में हैं, जैसे महाराष्ट्र में हैं, सारे लोग बड़े ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहे हैं, पवार साहब के विचारधारणा को मानने वाले लोग आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे महाराष्ट्र और भारत देश में क्या हालत चल रही है। आज जातिवादी पक्ष आज हिंदू मुस्लिम के नाते नाम लेकर अपना अपना पक्ष चला रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो
सब विचार के लोग हैं, जो सेकुलरिज्म के लोग हैं वो एक साथ आने की बहुत आवश्यकता है। एक साथ आके इन जो जातिवादी ताकतें हैं, जैसे कि आप देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर भाजपा शिवसेना जिस तरीके से आज राम मंदिर का मुद्दा ले लेते हैं, आज लोगों को रोजगार नहीं है, युवकों को रोजगार नहीं है, और यही राम मंदिर है और हिंदू मुस्लिम की भाषा हमेशा इनके मुंह में लगी रहती है, लोग नाम बदल रहे हैं, इतना ही नहीं तो भगवान की जातियां ही बताने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है। लेकिन एक हमारा यही मानना है, हम मानते हैं सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, गरीबों को दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छा लोगों यंग जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और एक कहना है कि भारतवर्ष के एक शांतिपूर्वक देश है, शांतमय तरीके से देश चलना चाहिए, ना ही राजकारण कोई धर्म के नाते होना चाहिए, ये सेकुलर का देश है, संविधान पे चलने वाला देश है, संविधान के मुताबिक ये देश चलना चाहिए, और संविधान को मानने वाले जितने पक्ष हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है भारत देश को, वो मानने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे जितने दूसरे पक्ष के, जैसे राष्ट्रपा के लोग हैं, पांचाल जी हमारे पास आए, पांचाल मैडम जी आए, आज उन्होंने देखा, आज पूरे उनकी और मेरी जब मुलाकात हुई तभी उनके विचार थे कि जो परिस्थिति इस महाराष्ट्र में चल रही है बिल्कुल जो बगैर सोचे जाए, जैसा कि इतनी दुख की बात है, हर कहीं धर्मवाद जातिवाद यही चल रहा है, इसके लिए उनको भी कहीं तो लगा कि हमको सेकुलर की जरूरत है, और जब तक ऐसे सारे लोग एकत्रित नहीं आएंगे तब तक इनका जो दूसरी पार्टियां है जैसे भाजपा शिवसेना है, इनको हराने के लिए जरूर इनकी सब लोगों की हमको मदद मिलेगी। तो आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि बड़ी जवाबदारी भी लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अशोक पांचाल जी हमसे जुड़े हैं तो उनको एक मान सम्मानजनक पद मिलेगा, और पांचाल मैडम हमसे जुड़ी है उनको भी मान सम्मानजनक पद मिलेगा जरूर, जो भी हमारे पे आएंगे उनका मान सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है और हम पूरा करेंगे। अभी तो चुनाव के लिए तो अभी समय है, और उनका काम बिल्कुल हमारे पक्ष में ये बात है कि काम करने वाले की जो मौजूद जो काम करता है अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा काम करता है, आवश्यकता नहीं कि हमको टिकट दो करके, हम खुद टिकट लेके जाते हैं उनके पास कि आप उसके लायक हो, आप लड़िए। अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, राष्ट्रवादी में आया ऐसा नहीं है। आज सेक्युलर जमाना, जैसे शिंदे साहब ने बताया कि सेक्युलर लोगों के लिए पार्टी चलती है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी से मैं आया हूँ वो प्राइवेट लिमिटेड बन के रह गई। आज की तारीख में 4 से 5 लोग मिलके अगर पार्टी चलाएंगे तो फिर वो पार्टी चलने वाली नहीं है। तो देर आए दुरुस्त आए, तो कोई शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन से उनके विचारों को लेकर चलने के लिए हमें जो मौका मिला है वो बखूबी हम बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। क्या कुछ खामियां रही सब इतने सालों बाद काम करने के बाद, और सिर्फ चेंज करना, बदली करना या राष्ट्रवादी में आना, तो क्या कुछ इंस्पिरेशन मिला आपको शरद पवार साहब से, वो पक्ष को ये पक्ष को मिलने के लिए? नहीं, चुनाव के लिए आना वो हमारे इसमें नहीं है, सिर्फ हमें कोई अच्छी ताकत की जरूरत थी कि लोगों का काम कर सके। पहली बात तो जहां भी लोगों का काम करने के लिए संधि मिलेगी तो वो पार्टी में हमको जाने की इच्छा हुई, और जब पहले ही मैंने बता चुका हूं कि जो भी पार्टी में मैं था, राष्ट्रीय समाज पक्ष की जो आप बात कर रहे हैं उसको भाजपा ने हाईजैक करके रखा हुआ है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाजपा ने राष्ट्रीय समाज पक्ष को हाईजैक करके रखा हुआ है, तो वहां हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को काम करने की संधि मिल नहीं रही है। हम वफादारी से काम करते हैं, हमने रिजल्ट ला के दिया, फिर भी अगर लोगों का काम नहीं होगा तो फिर ऐसे पार्टी में रहने के लिए हमें बहुत देर कर दी हमने रह के। अभी यहाँ आए हैं तो पवार साहब और इनके सचिन भाव इनके नेतृत्व में, भाव के शिंदे साहब के, जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में, और मेरी तो इच्छा है कि महाराष्ट्र में से जितने राष्ट्र के लोग हैं वो हमारे साथ आने वाले हैं, ये आपको एक बात बता दूंगा। गुजरात से भी हमारे साथ सब जुड़े हैं, जितने भी नगर सेवा के हमारे फॉलोअर हैं और वो हमारे साथ में आने वाले, लेकिन उनकी जो टर्म्स है वो मतलब लोगों ने आपके साथ ऐसे, तो मैं यहाँ पर पूरी टीम आ नहीं पाई है, लेकिन हजारों लोगों ने मेरे साथ में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि फोन पे मेरे साथ बात हो चुकी है। उत्तर मध्य जिला के लोग नहीं, हर जगह से थे, सिर्फ उत्तर मध्य जिला के नहीं थे, उत्तर मुंबई के भी थे।
ईशान्य दक्षिण मुंबई के भी थे, वहाँ के भी बंजारा समाज के, पूरे मुंबई से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग राजस्थान से भी हमारे साथ आ गए हैं। देखो हमारा काम है पार्टी बढ़ाना, हम पार्टी को बढ़ा के दिखाएंगे ये आपके मीडिया के सामने और आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। सब छोड़ के राष्ट्रवादी में आना, हमें एक्सपोज, हम हमारा कार्य करने के लिए आगे आए हैं, हमें यहाँ कुछ कार्य करना है, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। जहाँ तक हमारा साथ था रासप के साथ, आज हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ के लोगों का काम करना है। वहाँ हम रुक जाते थे कहीं पाबंदी की वजह से, तो हमें आज ये हो रहा है कि हम राष्ट्रवादी में आके हमारा काम खुल के कर पाएंगे और हमें खुल के काम करना है। हमने राष्ट्रप में रह के कि गुजरात में एक तीसरा पक्ष मीडिया को दिया था कि कोई तीसरा पक्ष नहीं था वहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के सिवा, तो राष्ट्रप को हमने तीसरा दर्जा दिया था और मैं चाहूँगी कि इसी तरह मैं काम करके गुजरात में राष्ट्रवादी को भी वहाँ तक लेके जाऊँगी और वहाँ की मीडिया भी, गुजरात में भी हम आगे काम करेंगे। जनता को एक मौका चाहिए कि हमारी बात कोई सुने, तो आज ये बात हुई है कि मैं मीडिया से भी बोलूँगी कि जनता की बात दिखाओ, जनता क्या मांग रही है, लोगों की परेशानियाँ नहीं दिख रही है। जो हम लोग गांव खेड़े में जाके देखते हैं कि जो परेशानी है वो परेशानी नहीं दिख रही है, जो सरकार काम कर रही है वो दिखा रहे है, लेकिन जहाँ नहीं पहुँचती है, जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, वो उनकी मुसीबतें हैं, वो नहीं दिख रहे। हमारे पार्ला में भी, आज मैं पार्ला में रह रही हूँ, वहाँ पे भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। तो आज हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं देख रहे, आगे सिर्फ बड़े बड़े बैनर दिख रहे हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है वो देखना मेरा कर्तव्य है। और मैं देश की एक अच्छी नागरिक बन के जो भी पक्ष में जाऊँगी, एक अच्छा सा काम करके देश को एक अच्छा न्याय देना चाहती हूँ और दादा के साथ रह के, उनके विचारों के साथ रह के आगे बढ़ना चाहूँगी। सब जो आया हूँ मैं राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया हूँ और पंचाल साहब के विचारों से मैं आज तक चलते आया हूँ। और वो जब राष्ट्र अपना रासप में थे तभी मैं उन्हीं के साथ में था, आज इसमें आए तो भी उन्हीं के साथ में हूँ। मैं वहाँ पे विले पार्ले तालुका सर चीफ मिनिस्टर दूरिया लोगों के काम नहीं होते, समस्या बड़ी है। जब हम समस्या लेके जाते हैं तो काम नहीं हो रहा है, तो हम पद पे रहने के बावजूद भी अगर काम नहीं होगा तो